और हमारी एक छोटी सी साध्वी पद्म श्री जी महाराज, आज उनका 26वां उपवास का प्रत्याख्यान है। उस प्रत्याख्यान को उपाध्याय भगवान करवाएंगे और मेरी तपस्वन साध्वी में हिम्मत थोड़ी सी उत्साह रहा तो पचखान के बाद वो अपना छोटा सा मंगल पाठ सभी को सुनाएंगी। तो गुरुदेव पधार गए हैं, हम सभी श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल पाठ श्रवण करें, बाद में प्रत्याख्यान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सप्साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सप्साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सो अपना सुनो मंगलानम च सव्ये सिंह कुड़म होय मंगलम। नम्यून सुरसुगुल भयंकरी वंदे गए क्लेशेरी असद्धारी वज्ज सप्साहुणम। औसघरम पासम पासवंदामि कंगुणमुक्तम सर्वसनिन्नासम मंगल कल्याणावासम विसर्पलिंगमंतम। कंठे धारी जो सयामणु तस गह रोग मारे दुष्ट जरा जन्ते उसामम। चिट्ठौ दूरे मंतो दुष्पणाम बहुफलो हुई नर्त्री सु जीवा पावन्ति न दुख दोगम। तो सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कपय भये पावन्ति यज्ञणम। जीवाय राम रम ठाणम यह संथु वो महायस भक्ति भरने भरेण ही एणता देव दिज वो हिम भवे भवे पास जन चंद। लोग सुज करे धम तिथरे जन हरिहंत गित्ते सम चौवि संपि केवली। ओ सब मजियम च वंदे संभव बीणम दिनम च समयम च पम अपम सुपासम जनम च चंद पहम बमदे। सुभिहिं च पुहदन्तं सियल सिज्जन सवासु पुज्जन च मणन्तं च जिनम। धम्मं संतिं च वन्दामि कुन्थं मर्यं च मल्लिं वन्दे मुनि सुभ्यं नमि जिनम च। वन्दामि रिठनेमिं पासं तह वद्धमानं च एवं मै वीथ्वा विहुरेमला। पहीण जरमरणा चौबी संपी जनवरा तिथि अराम पसियंतो गित्ती वंदीय मैयाय। जे लोग सुत्तमा सिद्धा आरुग्य वो ही लाभम। समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेशु निवन्यरा आई चेसु अयम पैसरा। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम। केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोतमा अरिहंता लोतमा सिद्धा लोतमा। साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी सरणम पवज्जे अरिहंता सरणम पवज्जे सिद्धा सरणम पवज्जे। साहू सरणम पवज्जे केवली पनत्तो धम्मो सरणम पवज्जे। ये चार सरणे दुख करने सुख करने मंगल करने। मथीन बंदा है, मथीन बंदा। हाँ जी हाँ जी, पचखान अभी कराना है। हाँ जी भगवान अभी करा दो। इनका भी आज पद्म श्री जी महाराज का 26वां उपवास है। ठीक ठीक ठीक, उनकी तपस्या की बहुत बहुत सुख साधा पूछते हैं। साधा में रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हाँ जी, आज का 26वां उपवास का पचखान 54 आपको साथ है बाबू। हाँ जी गुरु जी। चलो एक छोटा सा मंगल पाठ सभी को सुना दो, आपके तपस्वन को सुन ले। करो। हाँ जी। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोय सप्साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप परासन मंगलानंद सब परम भावे मंगलम। गुरुदेव के आग्रह से श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत धम्म मंगलम। चतारी लोग उत्तम, अरिहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत धम्म लोग उत्तम। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणम पवज्जामि। पहला शरण अरिहंत जी का, दूसरा सिद्ध भगवान का, तीसरा शरण धर्म का, चौथे साधन और ग्रंथ। ये चार शरण और न शरण कोई, जो भी प्राणी आदरे तो अक्षरम और पता मते। और भगवान 16 तारीख को
हिमानी जी महाराज का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी साध्वी ने अपनी ओर से अनुपम भोग देने का संकल्प किया कि अपनी गुरानी जी को उनके जन्मदिन पर अब 31 उपवास की भेंट दूं। तो इसके लिए हिम्मत की बात तो है और आपके द्वारा दीक्षित शिक्षित ये चिंचवड़ गांव में सभी को सूचना के तौर पर दे रहा हूं, हमारी साध्वी पदम श्री जी की दीक्षा और इनकी बड़ी बहन अरहा श्री की दीक्षा उपाध्याय श्री जी के पावन सानिध्य में महाराष्ट्र चिंचवड़ गांव पुणे महाराष्ट्र के अंदर दीक्षा हुई थी युवाचार्य जी के द्वारा। हाँ, युवाचार्य श्री जी भी उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने पाठ पढ़ाया था। तो ये उपाध्याय श्री जी के मंगल दर्शन में या मंगल मार्गदर्शन में दीक्षा संपन्न हुई और एक बहुत भोली भाली साध्वी है, पुण्यात्मा साध्वी है और आगे बढ़े उपाध्याय श्री जी की यही अनुशंसा है, यही शुभकामना है आपके लिए। आप अपने लक्ष्य को सुचारू रूप से पूरा करें, ये हम सब की भावना है। और जितने भी यहाँ पर श्रावक श्राविका हैं वो सभी अपना अपना माइक खोल करके आप अनुमोदना कर सकते हैं तपस्या की। मंदिर मंदिर में गुरु जी, बड़े गुरु जी भी हमेशा साथ पूछते हैं, हमेशा जब भी समाचार लो और सबकी पढ़ाई लिखाई का संबोधी जी का खासकर बहुत विशेष बड़े गुरुदेव की प्रेरणा रहती है। तो वैसे भी गुरुदेव तो सभी को पढ़ा रहे हैं, तो श्रमण संघ के साधु साध्वियों को तो ऐसी कृपा गुरुदेव की बनी रहे। मतन वंदामी गुरु जी। तो सबसे पहले हम पद्मश्री जी को बहुत बहुत हृदय से, मैं तो अपनी ओर से शाबाशी देता हूँ और तपस्वी आत्मा की अनुमोदना करता हूँ। और जितने भी जूम सिस्टम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, सभी से एक प्यार भरा निमंत्रण है, अगर पॉसिबल हो सके, पॉसिबल हो सकता है भावना प्रबल हो तो, कि आप, क्योंकि 16 अक्टूबर को रविवार है संयोग से और उस दिन हिमानी जी महाराज साहब का जन्मदिन भी है और हमारी महासाध्वी पुण्यात्मा साध्वी पद्मश्री जी का 31 उपवासों की पचखानी भी है। तो आसपास के जो हों, दूर के भी हों, अगर मन में शुभ संकल्प है कि नहीं, हम तपस्या की अनुमोदना करने के लिए, जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए और इतनी बड़ी तपस्या के निमित्त जो वहाँ एक तपस्या का समोसरण या तपस्वी का समोसरण सज रहा है उसका हिस्सा बनने के लिए, उनकी प्रत्यक्ष अनुमोदना करने के लिए, जिन शासन की तपस्या की अनुमोदना करना, तपस्वी की अनुमोदना करना, ये अपने आप में एक अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य कर्मों का उपार्जना होती है और उज्जवल भविष्य बनने की संभावना होती है। तो आप सभी वहां पहुंचने का भाव रखिएगा, ऐसा मेरी ओर से भी, जिसको कहते हैं प्यार भरा निमंत्रण है, इस चीज का आप सभी ध्यान रख सकते हैं।